यहाँ आ जाए। चलो आपको चलें, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे बच्चे जा रहे हैं कंपटीशन पे, आज इनका कंपटीशन है। अनिश जो है वो सूरत पढ़ेगी, इसका जो है तिलावत का कंपटीशन है। अशर जो है वो नात पढ़ेंगे और अशर का नात का कंपटीशन है। और हमने इनके लिए दुआएं करनी है कि ये दोनों जीत कर आए, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे जरूर जीतेंगे। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। मस्जिद जा रहे हैं और ये हमेशा आपको दिखाएगी हमारा सफर और हमारी मस्जिद का व्यू। ये मस्जिद जा रहे हैं, हम मस्जिद जाते हैं, आपको वीडियो के साथ दिखाएंगे। और गाइस आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक भी करना और कमेंट तो जरूर ही करना कि आपको हमारी मस्जिद जाते हैं और कैसा लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई गलती लगी हो तो इसका हमें कमेंट में जरूर ही बताना। हम जा रहे हैं मस्जिद में, हम जा रहे हैं मस्जिद। चले मस्जिद में जाते जाते हम आपको हमारी मस्जिद का व्यू करवाते हैं। ये मेरा जो है जा रहा है मस्जिद में। हेलो शेर, ये देखिए मस्जिद में जा रहे हैं। हम आपको अपने बहुत करवाने के हम आगे तो खड़े हो, ये देखिए الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. यहाँ देखें जनाब, मेरे बच्चे जो हैं घर आ चुके हैं और इनका जो है आज खुशी की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि ये दोनों अपने अपने कंपटीशन में जीत गए हैं और इनको पहनाए गए हैं ये मेडल और कारी साहब की तरफ से इनको मिले हैं ये बुक्स और मिठाई के डब्बे। तो यहाँ जो है मेरे ये वीडियो बनाने का असल मकसद जो है, एक तो इनकी कंपटीशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना था और दूसरा ये कि 12 रबीउल अव्वल है, उस हिसाब से स्कूल्स में भी कंपटीशन भी रखे जा रहे हैं, मिलाद भी करवाए जा रहे हैं, लोग अपने घरों में भी मिलाद शरीफ पढ़वाते हैं, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो जी हम भी अपनी तरफ से जो है आज इस 12 रबीउल अव्वल को मना रहे हैं, लेकिन हम नात पढ़ के नहीं मना रहे, क्योंकि सिर्फ इस 12 रबीउल अव्वल का या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ नातें पढ़वाना नहीं बल्कि उनकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करना है। तो वो हमारे लिए रहमत आलमीन बन के आए हैं। आज हम जो है उनकी चार सुन्नतें अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करने जा रहे हैं।
तो आप लोगों को भी हम जो है अपने इस मिशन में हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आज हम अपनी 4 सुन्नतें ज़िंदा करेंगे, इंशाल्लाह इनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग भी करें। तो यहाँ मेरे बच्चे आपको जो है वो बारी बारी 4 सुन्नतों के बारे में बताएंगे, तो जो कि बहुत मामूली सी हैं, छोटी सी हैं, लेकिन हम लोग इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते। तो मैंने कहा चलें अपनी वीडियो से इन सुन्नतों को दोबारा से ज़िंदा किया जाए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया जाए। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमारे लिए अमली नमूना पेश करने आए थे और हमने उनको देख के उनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारनी है। तो चलें जी स्टार्ट की तरफ करो। हमें पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह के लिए ऐसे करो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो हम पानी को 3 साफ सुन्नत पी के देखेंगे। हाँ, रख दो। और पानी पीने के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, और खाना खाने से पहले ये देखना है कि आपकी प्लेट साफ है या नहीं, ये भी चले आए देखते हैं सोने की सुनते क्या हैं। जब हम सोने के लिए बेड पे चले तो अपने उल्टे पांव से चढ़े, जब हम बेड पे सोए तो सीधी साइड पे सोए और अपना सीधा हाथ अपनी गाल के नीचे रख के सोए, और जो अपना उल्टा हाथ है वो यहाँ रख के सोए, और सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ना ना भूलें। जब हम उठें तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सीधा पाँव पहले नीचे रखें और उल्टा पाँव बाद में नीचे रखें। चले आए वॉशरूम जाने की सुन्नत देख लेते हैं। वॉशरूम जाने से पहले हमें पहले वॉशरूम की दुआ पढ़नी चाहिए, और वॉशरूम दाखिल होते से पहले हमें पहले अपना उल्टा पाँव रखना चाहिए फिर सीधा पाँव रखना चाहिए। वॉशरूम से निकलते हुए हमें पहले अपना सीधा पाँव रखना चाहिए फिर उल्टा पाँव रखना चाहिए, और हमें वॉशरूम की दुआ पढ़नी चाहिए। वॉशरूम से निकलने की दुआ है गुफराना का। इसी के साथ हमें इजाज़त, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।